फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। सो ये मंगलवार का ब्लॉग है मेरा, और मंगलवार को मैं सुबह सारे काम काज करने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने ब्लॉग में ये चीज़ हमेशा बताई है कि मंगलवार को क्या होता है ना, रायबरेली की मार्केट जो होती है वो बंद ही होती है। इस वजह से आज हमारी दुकान जो है वो भी बंद है, और अजीत का आज रेस्ट है। तो अजीत का जिस दिन रेस्ट होता है ना मंगलवार के दिन, उस दिन मैं अजीत के लिए अच्छी से अच्छी डिशेस उनसे पूछ के कि वो क्या खाना चाहते हैं वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो रोज़ इनकी ज़िंदगी में बस वो बेचारे वही पराठा सब्जी रोटी दाल चावल ये सब खाते हैं। तो आज के दिन मैं थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ, बनाती हूँ मैं अक्सर। मैं आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे ऐसे ब्लॉग में जो मंगलवार का दिन था और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं उनके मनपसंद की। तो आज अजीत की डिमांड थी सूजी का चिल्ला बनाने की, और चूंकि मेरा सोमवार का फास्ट था, सोमवार का सावन का पहला सोमवार जो था वो मेरा फास्ट था, तो आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का बहुत मन था। तो मैंने अपने लिए चने की दाल की पकौड़ी और अजीत के लिए भी, और अजीत की फरमाइश में सूजी का चिल्ला मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखो मैं कुछ बर्तन ला रही थी, तो मेरे एक दो बर्तन नीचे गिर भी गए थे, तो मैं उसको लगा रही हूँ। और इधर मैंने एक तरफ पकौड़ियाँ तलने के लिए रखी है, और एक तरफ मैं सूजी का चिल्ला बना रही हूँ। अच्छा, रिद्धि भी आ गई थी स्कूल से, तो मैंने पहले उसको और मम्मी को बना के दिया, और फिर जब तक अजीत गए हैं जल चढ़ाने, तो थोड़ा सा आज लेट हो गया उनको जल चढ़ाने में। तो अभी आगे आपको सुनने को मिलेगा कि अजीत क्या कहना चाहते हैं कि जब उनसे लेट हो गया। तो इधर मैं फटाफट देखो अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो इधर मेरा चिल्ला बन रहा है, और मैं दोनों हाथों से दोनों गैसों पे चढ़ा के बहुत ईजली चीज़ों को बना लेती हूँ फटाफट। तो इधर देखो ये रिद्धि आ भी गई है, एक चिल्ला रिद्धि ने खा लिया, ये दूसरा लेने आई है। मैं उससे पूछ भी रही हूँ कि बेटा कैसा बना, तो उसने कुछ फीडबैक नहीं दिया, वो चली गई। तो इधर देखो ऐसे चिल्ला बनाने में, मतलब नीचे से तो तेल डालती हूँ, फिर तो थोड़ा सा ऊपर से डाल दो ना, तो वो सूखा सूखा सा नहीं होता है। तो उधर मेरा चिल्ला सिक रहा है, इधर देखिए मेरी पकौड़ियाँ ऑलमोस्ट बन के तैयार है। बस अब अजीत आएंगे तो हम लोग फटाफट नाश्ता करेंगे। आप लोग अपने हस्बैंड के रेस्ट के दिन उनके लिए क्या स्पेशल बनाती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं कि अजीत क्या कहते हैं। आ गए पूजा करके, हरे माता जल चढ़ गया, पैकअप कर चुके थे मैंने उसको, बुलाया कि आज मैं आया थोड़ा लेट आया, लेकिन पैकअप मत करिए मेरा जल ग्रहण करिए। सो फैमिली, शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज मुझे वेस्टीज ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो गई है। वैसे तो मुझे 1 से लेकर 10 तारीख तक वहाँ पे काम अपना करना होता है, लेकिन इस बार लेट हो गई है। लेकिन चलो, सामान तो जो यूज़ करती हूँ वो इतना ज़्यादा यूज़फुल है और इतना अच्छा है कि उसको लिए बिना मेरा चलता ही नहीं, तो वो लेने जा रहे हैं। और कुछ मेडिसिन वगैरह होती है जो सप्लीमेंट्स होती हैं, वो मम्मी और पापा यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो मम्मी पापा, लेकिन मम्मी पापा की ख़त्म हुई है, मेरी तो अभी है, तो वो सप्लीमेंट भी लेना है, कुछ किचन्स के सामान भी लेना है, कुछ रेगुलर यूज़ का भी लेना है। वेस्टीज में यही अच्छी बात है, ये इसमें सारे सामान हैं, आपको जो डेली मर्रा के लाइफ में चाहिए ना वो सारे सामान आपको वेस्टीज में मिल जाएंगे। तो वहीं जाना है और कुछ एक दो सामान भी लेना है, तो वो चलते हैं फटाफट बाज़ार। और देखो तैयार हो गए हैं, ये ना मेरी जो पीछे में निधि रहती है ना, मेरी चचेरी नंद, उन्होंने मुझे बर्थडे में दिया था, तो मैंने कहा लाओ आज इसी को वेयर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ हल्का पहनने का मन था ना, तो मैंने इसी को वेयर कर लिया, और काफ़ी ढीली भी है तो ठीक है, गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो चलते हैं फटाफट मार्केट और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, देखो हम आ गए हैं वेस्टीज ऑफिस, और ये थोड़ा सा बैनर यहाँ से हिल चुका है, तो मैंने सामान ले लिया है, और सामान लेके मैं बस तुरंत निकल चुकी हूँ, क्योंकि देखो मौसम ना इतना ज़्यादा
मतलब बादल वाले घेर चुके थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब बारिश हो जाएगी, बट पता है बारिश तो हो ही नहीं रही, हमारे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बहुत ही हल्की फुल्की, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सावन आ चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी है और बारिश ना होने की वजह से। और इधर देखो जब मैं इस ब्रिज पर आई ना तो मैंने देखा वाह यहाँ पे 15 अगस्त के लिए ना खूब अच्छे से डेकोरेशन शुरू हो गया मेरे शहर का। 15 अगस्त बहुत अच्छा सा सुंदर सा शहर सजा दिया जाता है और बादलों को देखो एकदम काले काले घेर रखे हैं। और फिर उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे सिटी बाजार में, स्टाइल बाजार में, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ें लेनी थी अपने भाई के लिए, क्योंकि भाई की कुछ चीज़ें उसने कहा था लेने के लिए, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आने के बाद मिलती भी है कि नहीं मिलती है, वो देख लेते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे ही चलते हुए वीडियोस देखा बनते हैं, लेकिन मैं ना बिल्कुल भी बना नहीं पाती हूँ तो मैं नहीं बना पाई। और फिर इधर वहाँ पे मुझे जो लेना था वो बहुत ही कम मिल पाया, फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी रेगुलर किचन की कुछ चीज़ों को लेने के लिए। तो ये वहाँ सिटी बाज़ार से मैंने नहीं लिया, स्टाइल बाज़ार से मैंने नहीं लिया, फिर मैं बगल में आ गई हूँ वी मार्ट में देखने के लिए, क्योंकि जो भाई ने कहा था ना वो चीज़ें वहाँ स्टाइल बाज़ार में मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा बगल में ये वी मार्ट का मॉल भी है चलो यहाँ से भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने देखा लेकिन यहाँ पे तो और भी नहीं ज़्यादा समझ में आया, तो कुछ चीज़ें जैसे सोप वगैरह ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे अजीज जैसे पीआरस यूज़ करते हैं तो मैं और उनका जो फेस वॉश वगैरह है वो भी वो यही सब वाला यूज़ करते हैं, पीआरस का या हिमालय का, तो मैंने कहा चलो ये सब भी ले लेते हैं। और मैंने हाजमोला का भी लिया क्योंकि हाजमोला ना मेरा वंश बहुत खाता है। तो इस तरीके से करके कुछ कुछ चीज़ों की मुझे शॉपिंग करनी थी, फिर इधर आ गए तो देख रहे थे इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ थी, लेकिन मैंने अभी कोई भी कुर्ती नहीं ली है बाज़ार से। फिर सीधा मैं आती हूँ अपने घर, घर आने में थोड़ा लेट हो गया था, 8 बज गया था, और लेकिन घर पे कुछ चीज़ें बनी हुई थी खाने में, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में बताया ना कुछ कुछ नाश्ता बना लिया था, इस वजह से सब्जी वगैरह जो बनी थी वो सब बची हुई थी। तो आज मैं मतलब कोयटी की दाल चावल और कद्दू की सब्जी बनाई थी, तो वो सारी चीज़ें बची थी, बस मुझे रोटियां बनानी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से गई भी थी कि मुझे कुछ ऐसा टफ खाना नहीं बनाना है। तो आते मन ना रिद्धि बहुत रो रही थी, क्योंकि रिद्धि को मैं ले के नहीं गई थी क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चला था, तो मैं चाहती थी वो घर पे रह के पढ़े, पर वो रह मतलब रिद्धि अभी थोड़ी छोटी है ना, वो रह नहीं पाती, बहुत रो रही थी ऐसा मम्मी ने बताया था मुझे। फिलहाल मैंने उसको चुप उप कराने के बाद मैं लग गई अपने काम पे, मैंने फटाफट बनाई रोटियां और फिर फटाफट मम्मी लोगों को खाना दिया, बच्चों को खाना दिया, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, मतलब सारी चीज़ों को खुद से करना, अकेले हर चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सोचती थी कि एक लौती बहू होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, जब तक फैमिली बड़ी ना हो ना तो किसी एक मेंबर को रिलैक्स मिल ही नहीं सकता। मेरी छोटी फैमिली होने की वजह से मुझे बहुत सारा घाटा है। गुड मॉर्निंग, सो नेक्स्ट डे हो गया है, आजकल ना सारी ब्लॉगिंग दो दो दिनों पे हो जा रही है, क्योंकि क्या करूँ इतनी कम व्यूज़ होते हैं ना दिल इतना टूटता है इतना दुखता है, लेकिन क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ, मैंने पढ़ कर रखा है कि कभी ना कभी तो सफलता मिलनी है। तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, सुबह सुबह नहीं दोपहर हो गया, दोपहर क्या शाम होने वाली है, 4 बज गया, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल से मैं स्कूल भेजना, फिर वो लोग आते हैं सारे काम वाम करने के बाद, अभी फ्री हुए हैं और बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई है मैंने, अभी तो यूट्यूब पे बनाई है और फिर अभी इंस्टा पे, तो मैं शाम को बनाती हूँ मोटिवेशनल वीडियोस, तो प्लीज़ 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 मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना और बताना कि मेरी वीडियोज़ कैसे लगती है। तो अभी बच्चे आ गए हैं, एक बच्चा तो वो हाजमोला आ चुका है, बस हाजमोला खाएगा ये, यह हाजमोला इतना ज़्यादा खाता है ना कि क्या बताए, तो चोरी छुपे खा के बस उसी तरह लगा रहा है, देख रहे हो ना आप। और एक तरीके से पेपर है और टीवी पे टिगर इंसान लगे हुए हैं, क्या ही बताएं, इनका तो हम बोल बोल के थक चुके हैं। आपके बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं करते ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो एक चीज़ ये आई है रिद्धि का, लो एंड डेट है कल, वैसे तो परसों मनाने वाले थे इनके स्कूल में, और लेकिन
कुछ पोस्टपोन हुआ है तो कल किया जा रहा है, तो ये टाइगर काला कब से हो गया ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन पता है ये सब चीज़ें मिलती ही नहीं है मार्केट में। सबका कहना है कि एक तो मैं इतनी बड़ी सिटी में रहती ही नहीं हूँ कि हर चीज़ हर टाइम अवेलेबल हो, लेकिन ये अजीत ने बेचारे इतना मुश्किल से ढूंढ के लाए। कल हम लोग गए थे, इतना ढूंढे नहीं मिला क्योंकि मंगल को यहाँ बंदी होती है, लेकिन आज फिर बेचारे वो कितनी मुश्किल से ये लेके आए। हमने कहा भी कि येलो नहीं है ये, तो कहे यार इतनी मुश्किल से ये मिला, ये तुम इसको टाइगर समझ लो या गौरैया समझ लो, जो भी समझ लो। तो बेचारे ये ढूंढ के लाए हैं। इनके स्कूलों में ना सच बताओ इतनी ज़्यादा मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन से स्कूल में एडमिशन कराया ना कि मतलब कि इंटरनेशनल स्कूल है और बच्चे कुछ बन के निकलेंगे, लेकिन सच बताएं इतना ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है स्कूल में कि बस इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो बस अब लेकिन क्या करें, जब स्कूल के सारे बच्चे करते हैं और अपना बच्चा नहीं करता ना, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, वो बच्चों को भी अजीब लगता है, फिर मुझे भी अजीब लगने लगता है कि हाँ बच्चे वहाँ से डीमोटिवेट होके आ रहे हैं। लेकिन इनके स्कूल में हर महीने कुछ ना कुछ यही सब होता है। अभी तक जिस स्कूल में था ना, वो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम तो फ़िलहाल नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पढ़ाई भी ज़्यादा होती थी, ये सारी चीज़ें कम होती थी। तो लगता था कि यार शायद होती है, टीचर बच्चों को वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे, बट इस स्कूल में ना बहुत रियान में बहुत ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें। और हम लोगों ने कंप्लेन भी की कि भाई पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ये सारी चीज़ों में कम। चलो नेशनल चीज़ें हैं वो मना लो, इंटरनेशनल चीज़ें भी मना रहे हो, बस वही है ना, इंटरनेशनल स्कूल है तो हर चीज़ें इंटरनेशनल ही लेवल की बनती है। फिलहाल अभी रिद्धि सो रही है और अभी मेरा आया है एक पार्सल, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। फ्लिपकार्ट से आया है, तो क्या है मंगवाया है वो आपको दिखाते हैं। तो पहले कर लेते हैं क्या मेरे को सेट। सो फैमिली ये देखो फ्लिपकार्ट से एक मैंने कुर्ती मंगाई है, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वो वाले पार्ट को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली घरों में ये चीज़ होती होगी कि दरवाजों के पीछे ऐसे फूटियों में इतने सारे कपड़े टंगे होते होंगे। मेरे यहाँ तो ये तकिया कलाम बन चुका है, यहाँ पर जरूर ये कपड़े टंगे होते हैं और इनको कुछ करना है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से एक कुर्ती मंगाई है। वैसे तो मैं अधिकतर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, अधिकतर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, या वो कुर्ती या कुर्तियों की हो या साड़ियों की हो या बैंगल्स की हो या कॉस्मेटिक्स की हो, मोस्टली ऑनलाइन ही मैं करती हूँ। और जिसमें से फ्लिपकार्ट और मीशो दो ऐसे ब्रांड है जहाँ से मैं करती हूँ, ऐप है सॉरी। तो इधर चलो दिखाते हैं कि कैसी कुर्ती आई है, फटाफट ओपन करते हैं। तो जैसा सोचा था वैसे ही आया है, और चलो साइज देख लेते हैं कैसा आया है। तो देखो मैं बहुत ज़्यादा तड़क भड़क कपड़े भी नहीं पहनती हूँ, आपने मुझे मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं बहुत ज़्यादा तामझाम वाले कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल और सोवर चीज़ों मतलब पहनती हूँ, सोवर कपड़ों को पहनती हूँ। तो फिलहाल मैंने इसीलिए एक प्यारी सी एकदम सिंपल सोवर सी कुर्ती मंगाई है, ये मंगाई मैंने फ्लिपकार्ट से, और देखो बहुत ही प्यारी आई है। एक तो कॉटन फैब्रिक है, फुल स्लीव से ऐसे गोटा पत्ती ऐसे यहाँ पे वहाँ में होगी थोड़ी सी, और ऐसे बूटी बूटी बीच में है, बंदेज का बंदेज प्रिंट पे है, और लॉन्ग साइज भी एकदम बढ़िया है। और मैंने आपको और यहाँ पे ये देखिए जरी वर्क कर रखा है, और बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही अंदर जैसे आपको ये चुभने वाला नहीं है, अंदर ये ऐसे अस्तर लगा रखा है, और ऊपर से ये देखो पूरा नेक पे है ये जरी का वर्क पूरा ऐसे, तो बहुत। और यहाँ पे ये एक डोर टाइप की है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं सच बताऊँ। आप मतलब एकदम कंफर्टेबल जब पहन लो ना तो बिल्कुल भी उलझन ना दे। तो देखो कैसा लग रहा है ये का, और पीछे भी ये देखो ऐसे ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर के से ना बूटियाँ भी बनी हुई हैं इसमें, जो इसको और भी सुंदर बना रही है। और प्राइस भी बहुत मतलब बहुत ही कम प्राइस में है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा प्राइस है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे प्राइस में है। और
बहुत ही प्यारी कुर्ती है। तो कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर नहीं लगी तो भी कमेंट करना। तो मैंने यही मंगाया है, तो अभी तो आया ही एक यही अभी आई है, अभी और भी सारी चीज़ें मैं मंगाने वाली हूँ, तो जो जो मंगाऊँगी मैं आपसे शेयर करूँगी। और कल और आज के ब्लॉग को ऐड करके मैंने ये ब्लॉग बनाया, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर देना, और बताना कि किस किस टाइप में वीडियोस मैं बनाऊँ जिसको देखने में आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसी टाइप की वीडियोज़ बनाऊँगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहना, खुश रहना और अपना ध्यान रखे रहना।